एक जंप पे इंडिया, एक जंप पे भूटान। बाप रे, पूरा घर ही है ये वन बेडरूम का, वन बीएचके ऊपर है गाइस। देखिए चलिए भूटान की ओर जाते हैं, गांव की ओर से। मेरा घर से बहुत ही नज़दीक है, आप चलते रहिए मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको भूटान के ओर जाने के लिए मिलता है कि नहीं, एंट्री है कैसा है माहौल वहाँ पे, आमने सामने बॉर्डर कैसा है, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। चलिए चलते हैं भूटान के ओर, आप भी यूट्यूब के ज़रिए ट्रैवल कीजिए मेरे साथ। काफ़ी नज़दीक आ गए दोस्तों, काफ़ी नज़दीक मुझे फील हो रहा है भूटान हम लोग आ गए बोल के। तो और थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त, उसके बाद आपके सामने भूटान। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं भूटान के नज़दीक, ये रहा बॉर्डर जो भी ये अरे कहना क्या चाहते हो, चाहता है कि ये मेन बॉर्डर है, यहाँ पे कोई एरिया में कोई फेंसिंग वगैरह नहीं है, ये जानने के लिए यही लगाया है। अभी मैं भूटान पे आ गया हूँ, ये सामने रहा इंडिया, ये इंडिया का ज़मीन है सारा, इंडिया भारत सरकार का ज़मीन है। और पीछे आएंगे आप, पीछे आएंगे इस तरफ तो पीछे देख पाएंगे, यहाँ पे अभी भूटान है, यहाँ पे देखिए भूटान का बॉर्डर का एक निशानी है, इसी के थ्रू जाना जाता है कि बॉर्डर कहाँ तक है, कनेक्ट करता है इंडिया और भूटान के बीच में, यही है। और मेरे पीछे जितना भी देख सकते हो सारा भूटान है, यहाँ पे जितना भी देखेंगे आप पूरा भूटान सरकार का, भूटान गवर्नमेंट का ये लैंड है, और ये रहा इंडिया का। इधर सामने पीछे देखेंगे ये सारा भारत और आसाम का ज़मीन है जो भी है। अभी यहाँ पे फिलहाल हम अंदर नहीं जा सकते हैं, सरकारी भूटान सरकार की ओर से बैन कराया गया है। अब अंदर जाने के लिए ऑफिशियली आपको एंटर करना पड़ेगा, जो कि आपको जाना पड़ेगा भूटान इमिग्रेशन ऑफिस में जाना पड़ेगा आपको, उसी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा टोकन लेके अंदर भूटान पे, जितना भी आपको सफ़र करना है ट्रैवल करना है उसी के थ्रू जाना होगा। अभी हम लोग जा तो सकते हैं अंदर, लेकिन वो इलीगल होता है, ऑफिशियली जा सकते हैं अंदर। देखिए पीछे है पहाड़ वगैरह, सुंदर लोगों का घर वगैरह भी दिखाई देता है यहाँ से, मोबाइल टावर्स वगैरह सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन अफसोस नहीं जा सकते हैं। पहले बहुत साल पहले हम लोग जाते थे अंदर शॉपिंग वगैरह करने के, दुकान पे कुछ खाने पीने के लिए जाते थे, लेकिन अभी वो सब मना किया गया। एक दोस्त मिला है यहाँ का लोकल, जो कि इसी बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं, बहुत पास में, जो उनको पता है यहाँ के लोग, दोस्त वगैरह भी है भूटान के, तो वो लेके जाएंगे थोड़ा सा नज़दीक तक, जहाँ तक पॉसिबल हो पाए, पुलिस वगैरह भी कुछ ना करे और इलीगल भी उतना हार्मफुल नहीं हो किसी को, तो वहाँ तक लेके जाएंगे, उनके साथ चलेंगे। तो कहाँ लेके जाएंगे अभी आप? तो देखते हैं अभी, मतलब जहाँ तक मतलब हम लोग जाएंगे, मतलब जो वो रास्ता से इलीगल तरीके से जाएंगे हम लोग, हाँ, लेकिन उतना तो, उतना मतलब, भी इलीगल नहीं है, हाँ, जो भी जा सकते हैं, ऐसे जो भूटान सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आप लोग को दिखाने के लिए। चलिए चलिए आगे तक चलते, तो गाइस अभी मेरे ऊपर देख सकते हो आप लोग, ये ट्री हाउस है। बेसिकली ये ट्री हाउस यहाँ पे इसीलिए लगाया जाता है कि कुछ जंगली जानवर आके अपनी खेती को नुकसान ना करे, अगर ये नहीं रहता है तो जानवर आके आक्रमण कर सकता है, जब भी रात में यहाँ पे देखने के लिए ट्री हाउस लगा है। हाँ ट्री हाउस है, ये वॉच टावर है बेसिकली, ये यहाँ पे बेसिकली मेन जो है जानवर हाथी आके धान अपने ख़त्म कर देता है, अगर यहाँ पे लोग देखने के लिए कोई नहीं हो तो, ये जितना भी यहाँ पे धान है एक ही रात में ख़त्म हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे आके रात भर लोग यहाँ पे सो के अपने धान का रक्षा करते हैं, और साथ ही साथ हाथी वगैरह को यहाँ से आने नहीं देते, यहाँ पे आने नहीं देते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये भी दिखाइए प्लास्टिक, और मेन एक हथियार आप बोले तो ये नेचुरल हथियार है, ये प्लास्टिक देख सकते हो यहाँ पे तार पे लगाया हुआ है, इसको देख के भी हाथी सामने नहीं आता है शायद, डरता है। और यहाँ से साउंड भी निकलता है, एक नेचुरल साउंड हवा के थ्रू निकलता है, तो उसके जरिए हाथी सामने नहीं आता है, डरता है। और ये एक हथियार है, और मेन हथियार जो है ट्री हाउस ऊपर देख सकते हो वही है मेन। तो ये प्लास्टिक सारा और लगा के रखे हैं, ऐसे ही करके लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर ऐसे करके नहीं रहे और ऐसा नहीं रहे ऊपर टावर में ट्री हाउस में, और ऐसे करके प्लास्टिक नहीं लगाए, तो यहाँ पे जानवर भूटान के थ्रू जंगल के थ्रू सारा आके एक ही दिन में ख़त्म कर देता है। दोस्तों और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मिल गया, जो ट्री हाउस देखा है आपको उससे भी काफ़ी
बड़ा लगता है कि पूरा ही पूरा ट्री का घर है। ये देखिए ऊपर इतना बड़ा है ये, तो इससे तो सारा भूटान का कवर हो जाएगा मुझे लग रहा है। देखिए बहुत बड़ा, इतना बड़ा पेड़ के ऊपर लगाया है, बहुत बड़ा, पूरा किंग साइज बेड ऊपर समझ जा रहा है, इतना बड़ा है ट्री हाउस। गाइस देखिए कितना मजेदार, यहाँ पर रहने के लिए कितना मजेदार होगा। देखिए पूरा टीन लगा के पूरा नेचुरल तरीके से रहने के लिए मिल रहा है ऊपर। देखिए गाइस पूरा घर ही है ये, वन बेडरूम का, वन बीएचके ऊपर है। गाइस देखिए गाइस नदी बढ़ने के कारण देखिए यहाँ की मिट्टी कितना सॉफ्ट हो गए हैं, तो एक बार मार के दिखाओ, इतना सॉफ्ट हो गया है मुझे भी। देखिए दिखाओ, देखो कितना खूबसूरत बनाया है बच्चे ने। अब देखो उड़ा कर, अभी हम लोग भूटान के बीचों बीच बॉर्डर के बहुत थोड़ा सा आगे अभी नदी के बीच में आ गए हैं। अब सामने आप देख सकते हो भूटान एकदम, फिलहाल हम लोग भूटान में ही है और आगे पहाड़ है भूटान के सामने, तो वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं कैसा नज़ारा देखने के लिए मिलता है। अब ज़्यादा दूर नहीं है। ये जगह का नाम क्या क्या है, ये जगह नाम ये इसको बोलते हैं लंकर नदी, मतलब ये लंकर नदी है ना। हाँ जी, और वो चीसो पानी वाला पहाड़ का नाम चीसो पानी पहाड़ है। हाँ, वहाँ पानी ठंडा मिलता है ना वहाँ पे। हाँ, बहुत ज्यादा ठंडा मिलता है उसमें, वहाँ पे वाटरफॉल भी है। वाटरफॉल थोड़ा आगे जाने देता तो इजाजत होता तो मतलब जा सकते थे, लेकिन वाटरफॉल भी दिखाई देता वहाँ पे नहीं, वो तो मतलब इजाजत लेके जाना पड़ता है ना, अभी तो मतलब फिलहाल नहीं जाने देता वहाँ पे। अच्छा, वो थोड़ा मतलब दूर पड़ता है। अगर हम लोग अंदर से गेलेफू के ओर से आए तो अंदर ही अंदर आने का रास्ता इधर। हाँ, वो उधर गाड़ी के थ्रू हाँ, कैब के थ्रू आ सकते, कैब के थ्रू आ सकते ना। कितना टाइम लगता है गेलेफू से यहाँ तक आने के लिए? अराउंड 2 घंटा। 2 घंटा लग जाता है? हाँ जी लग जाता है। तो यहाँ अंदर होटल्स वगैरह भी है अंदर रहने के लिए? ऊपर है ना, यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं होगा? हाँ, ज्यादा तो नहीं। अच्छा, होटल रहने के लिए सब कुछ व्यवस्था है ऊपर? हाँ, ऊपर है, मतलब वहाँ पे एक गुम्बा भी है, गुम्बा वगैरह भी है ना। हाँ, तक रहने का कितना कॉस्टली है कि एकदम नॉर्मल है वहाँ पे ऊपर? नॉर्मली पड़ सकता है आपको 700-500 ऐसा मिल जाता है रूम ऊपर? हाँ, एसी वाला चाहिए तो 1000 से ऊपर मिल सकते हैं। अच्छा अच्छा, कैसे पता चला इस रेट के बारे में? मतलब पहले हम लोग जाते थे ना, पहले जाते थे। हाँ जी। अच्छा अच्छा, जैसे मतलब कोरोना वायरस हो गया उस वजह से मतलब अभी सब बंद कराया गया। अच्छा, कोविड के बाद यहाँ से आना जाना बंद कराया गया है जो भी? हाँ, इलीगल ऊपर का लोग आते हैं, मतलब जो कि जो गांव का सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। अच्छा, ऊपर के लोग अभी भी जो मार्केटिंग करने के लिए है यहाँ पे आते हैं? हाँ जी आते हैं। मेरे बिल्कुल पीछे आप लोग पहाड़ देख सकते हैं, ये पूरा भूटान का ही है एरिया, एग्रीकल्चरल उन लोगों का जमीन है ये सब, बांस वगैरह बड़े बड़े ट्रीज वगैरह प्लांटेशन कराया हुआ है, सारा जंगल है पीछे भूटान का है, ये नदी भी सारा भूटान का है। आगे बिल्कुल आगे सामने घर वगैरह दिखाई दे रहा है, उसमें पता नहीं जा सकते हैं कि नहीं, अभी तो कोई सामने नहीं आ रहा है। और यहाँ पे कुछ लोकल्स है जो कि गुजारा करने के लिए लकड़ी को कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि खाना बनाने में बहुत काम आता है। डिपेंडेंट ऐसे ही यहाँ के लोग डिपेंड करते हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनके थ्रू ये लोग गुजारा करते हैं, इवन हम लोग भी करते हैं, तो यहाँ से लकड़ी वगैरह कलेक्ट करके घर पे लेके जाके चूल्हा जलाते हैं। कुछ ऐसा केस है यहाँ का गांव का। देखिए सामने हम लोग बहुत बहुत नज़दीक आ गए हैं गांव के। पहाड़ों के बीच में सुंदरता, भूटान यही भूटान में बहुत सुंदरता, एक देश माना जाता, ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, इवन कितना नंबर में आता है मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। देखिए कितना सा सुंदर है, पूरा सुंदर ही सुंदर। देखिए लैंडस्लाइड होता हुआ सामने, वो पीछे आप ये वाला देख सकते हो, ये लैंडस्लाइड हुआ है, और ब्यूटीफुल नज़ारा देखिए गाइस। भूटान का यही खासियत है, आपको हर जगह जिधर भी देखेंगे वहीं पर ब्यूटी दिखाई देगा आपको, कहीं पर भी देखेंगे सारा ही ब्यूटी ब्यूटी। इतना अच्छा जगह है यहाँ पे, कार्बन फ्री कंट्री है ये। देखिए इतना सुंदर, हम लोग यहाँ तक कि आ पाए भूटान के अंदर,
काफ़ी अंदर आ गए हम लोग चलते चलते। पीछे ये सारा आप देख सकते हो नज़ारा। तो लोकल्स भाई जो लोग थे वो लोग यहाँ तक ही ला पाए, यहाँ से आगे वो लोग मना कर रहे जाने के लिए। हम लोग भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये अच्छा चीज़ नहीं है किसी भी कंट्री के लिए इलीगली जाना, ये कानून के खिलाफ होता है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, इंडिया भूटान का रिलेशन बहुत अच्छा है बोल के यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। लेकिन कानून के कानून को रेस्पेक्ट करते हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये भूटान का नज़ारा काफ़ी अच्छा लगा यहाँ तक आए। और बाकी भैया भाई बोलेंगे कि कैसा लगा, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा यहाँ तक आने का। वो तो आते रहते हैं। हाँ, हम लोग तो आते रहते हैं लेकिन यहाँ तक आने के लिए थोड़ा कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था। लेकिन हम लोग आगे मतलब भैया लोग को आगे जो मतलब दूर से आए हैं मतलब वीडियो शूट करने के लिए, तो हम लोग लेके आए। तो वहाँ तो वहाँ से देख सकते हो वहाँ एक घर भी दिख रहा है वहाँ पे, भूटान का है वो भी। तो अभी यहाँ से तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, इतना ही गाइस। यहाँ तक ही था आज का ये नज़ारा जितना भी था भूटान का। हम लोग लाने का उद्देश्य यही है कि देखिए ब्यूटी कितना है यहाँ पर, यहाँ पे कितना सा हरियाली हरियाली है, ब्यूटी कितना सा यहाँ पे आगे दिखाई देता है, ब्यूटी रियल ब्यूटी क्या होता है, नेचर का जो भी है नेचुरल प्रकृति के बीच में कैसे लोग रहते हैं। अंदर देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत सा जगह है, लेकिन हम लोग यहाँ तक आप लोगों को लाने का यही है कि यही मोटिव यही था कि देखिए कितना सा सुंदर पीछे देख सकते हो। भूटान का यही खासियत है कि यहाँ का जो भी यहाँ का एरिया रहता है हरा भरा रहता है, इवन पूरे भूटान पे, ज़्यादातर भूटान पे ऐसे ही रहता है हरा भरा। तो आप लोग भी देख पाए इस वीडियो के थ्रू, तो भूटान को थोड़ा सा करीब से जान पाए। कोशिश करते हैं कि ऑफिशियली हम लोग इमिग्रेशन के थ्रू एंटर करके, बॉर्डर के थ्रू एंटर करके यहाँ तक आने का कोशिश करेंगे ऑब्वियसली इन फ्यूचर। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही वीडियो में, अभी के लिए इतना ही वीडियो को यहाँ यही अभी के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे जितना भी हो पाया। कैसा लगा कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, चैनल पे नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।